चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के आज दिन भर से लेकर रात तक के सभी मुख्य समाचार। ताजा सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को, लिए गए सभी बड़े फैसलों को। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, खबर को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठकों का कार्यक्रम जारी। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते हुए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण संबंधी कार्यों की समीक्षा प्रारंभ कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश में कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा एवं मेरठ में 75 जिलों के जिला अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठकें की जाएंगी। इसी क्रम में कानपुर नगर में आज 17 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में एएमयू छात्र फैजान का साथी रतलाम से गिरफ्तार, 6 राज्यों में छापेमारी, देश भर में आईएसआईएस नेटवर्क का हुआ भंडाफोड़। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए एएमयू छात्र फैजान की आईएसआईएस मॉड्यूल का राज फाश करने में जुट गई है। फैजान से इनपुट मिलने के बाद एनआईए ने आज बहुराज्यीय कार्रवाई में 9 स्थानों पर छापेमारी और क्षेत्र में आतंक फैलाने की साजिश में कथित भूमिका के लिए राहुल उर्फ उमर को रतलाम से गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक फैजान ने भारत में बवालिया हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं को तैयार कर रहा था। एनआईए के अनुसार 6 राज्यों में 9 स्थानों पर संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसके दौरान एक राहुल सेन उर्फ उमर बहादुर को गिरफ्तार किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस, लैपटॉप, पेन ड्राइव सहित कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश में जिला चंदौली का नाम संत कीनाराम जिला करने की उठी मांग, सरकार तक आवाज पहुंचाने की अपील। जी हां, बाबा कीनाराम जन्मोत्सव समारोह के अंतिम दिन चंदौली का नाम संत कीनाराम जिला करने की मांग उठी है। हिंदी के विद्वान और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गया ने इसके लिए प्रेरित किया। हिंदी के विद्वान और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गया सिंह ने कहा कि बाबा कीनाराम ने अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से सामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन किया है। उन्होंने देश विदेश में अघोर संप्रदाय के लक्ष्यों व विचारों को मजबूती से पहुंचाया। चूंकि चंदौली बाबा की जन्मस्थली है, ऐसे में उनके प्रति श्रद्धा अर्पण के लिए इसका नामकरण बाबा कीनाराम के नाम पर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर की जमीन कागजों में कर दी गई थी कब्रिस्तान के नाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया ये फैसला। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की छाता तहसील के शाहजहांपुर गांव स्थित बांके बिहारी के नाम दर्ज जमीन का राजस्व अभिलेखों इंदरराज बदले के आदेशों को रद्द कर दिया गया है। तहसील को 2 महीने में मंदिर की जमीन बांके बिहारी मंदिर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बता दिए कि कोशी कला थाना क्षेत्र की चौकी शाहपुर के अंतर्गत आने वाले गांव शाहपुर में बिहारी जी मंदिर की जमीन को तत्कालीन ग्राम प्रधान और तहसील प्रशासन ने मिली भगत कर सपा शासन काल में कब्रिस्तान में दर्ज करा दिया था, जिसको लेकर बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामावतार गुर्जर ने थाना कोशी कला में भोला खान पठान सहित अन्य ग्रामीण एवं तत्कालीन एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका आज फैसला हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने गौतम बुद्ध नगर में 8 साल बाद किया सांगठनिक बदलाव, गजेंद्र मावी को सौंपी जिला अध्यक्ष की कमान। जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन अध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची आज जारी हो गई है। जिले में 8 साल बाद बदलाव करते हुए विजय भाटी की जगह गजेंद्र मावी को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। वहीं विरोध के बावजूद मनोज गुप्ता लगातार दूसरी बार महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो गौतम बुद्ध नगर जिले और नोएडा महानगर दोनों जगह क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया के करीबियों के हाथों में संगठन की कमान सौंपी गई है। गौतम बुद्ध नगर को गुर्जर बाहुल्य जिला माना जाता है, ऐसे में संभावना थी कि कमान किसी गुर्जर नेता को मिलेगा, लेकिन विजय भाटी लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा कर चुके थे। पार्टी की नीतियों के चलते कोई भी लगातार तीसरी बार अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। उनकी कुर्सी पर संगठन के 17 नेताओं की निगाह जमी थी। सभी नेता अपने अपने राजनीतिक आकाओं के माध्यम से पैरवी में जुटे थे। इनमें गुर्जर, ठाकुर, जाट, ब्राह्मण भी शामिल रहे, लेकिन अंत में बाजी गजेंद्र मावी ने ही मारी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी में खराब हुआ दून एक्सप्रेस का एसी कोच, ट्रेन रोककर सीआईएसएफ जवानों ने किया हंगामा, ऐसे हुए शांत।
जियादून एक्सप्रेस में एसी 3 कोच खराब होने पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने जलस्तर पर हंगामा कर दिया। कोच न बदलने पर गुस्साए जवानों ने गार्ड से भी अभद्रता की, ट्रेन को चलने से रोक दिया गया। हंगामा बढ़ते देखकर मुरादाबाद मंडल ऑफिस से फोन आने के बाद दूसरा एसी 3 कोच लगाया गया। करीब 2.25 घंटा ट्रेन जलस्तर पर खड़ी रही। दूसरा कोच लगने पर जवान शांत हुए, तब ट्रेन बरेली से रवाना हुई। वैसे आप कमेंट करें कि क्या देश की रक्षा करने वाले और देश में शांति का माहौल फैलाने वाले इस तरह से अभद्रता करें और इस तरह से हंगामा करें तो क्या ये शोभा देता है। उत्तर प्रदेश ने सरस्वती शिशु मंदिर को ब्याज नहीं दिया, आजम खान के ट्रस्ट को दिया। योगी सरकार ने बैंक के DGM को सस्पेंड किया। जिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट और रामपुर पब्लिक स्कूल को नियम विरुद्ध ब्याज का भुगतान करने के मामले में आज जिला सहकारी बैंक के सचिव और उप महाप्रबंधक फंस गए हैं। जांच के बाद शासन ने दोनों ही अफसरों को निलंबित कर दिया है, साथ ही दोनों अफसरों को लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। वही जिला सहकारी बैंक की जौहर यूनिवर्सिटी शाखा ने जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट के नाम से संचालित खातों को बचत खाता मानते हुए जुलाई 2022 में यूनिवर्सिटी को 17.58 लाख और ट्रस्ट को 2.18 लाख रुपए ब्याज का भुगतान कर दिया। जबकि जिला सहकारी बैंक की ही डिग्री कॉलेज शाखा ने रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से संचालित खाते को बचत खाता मानते हुए 3,67,000 रुपए ब्याज का भुगतान कर दिया। तीनों खातों का संचालन मोहम्मद आजम खान के द्वारा किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के बीच ये बीमारी बन सकती है नई मुसीबत। उरई में पहला केस मिलने के बाद डॉक्टरों ने किया सतर्क। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेंगू चिकनगुनिया संक्रमण के बीच स्क्रब टाइफस संक्रमण नई मुसीबत बन सकता है। उरई में स्क्रब टाइफस का पहला केस मिलने के बाद डॉक्टरों ने विशेष सतर्कता बरतने को अलर्ट किया है। बुखार आने पर बिना डॉक्टर की सलाह दवा का प्रयोग कतई न करने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं आपको बता दें तो गुरुवार को उरई में स्क्रब टाइफस की तस्दीक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। उरई के गांव मुसमरिया निवासी युवक को कई दिन बुखार के बाद परिजन झांसी मेडिकल कॉलेज ले गए, उसके जांच में आज स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में एक जिले में 3 साल पूरे करने पर यूपी पुलिस में अब की जाएगी स्क्रीनिंग, 2 कमेटियां बनी, जाने डिटेल में। जी, उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस विभाग में तबादलों के लिए 2 अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है। SSP और DSP के तबादलों के लिए गठित पहली स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार होंगे। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष ADG विजिलेंस राजीव कृष्ण होंगे। वहीं प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे SSP, DSP, इंस्पेक्टर तथा सब इंस्पेक्टर की स्क्रीनिंग की जाएगी जिनकी सेवाएं एक जिले में 3 वर्ष पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षक भर्ती रोक की 24 अप्रैल के आदेश पर लगा दी है रोक। जी हां, उत्तर प्रदेश में संचालित 446 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से पुरुष स्टाफ को हटाने पर वाद विवाद के कारण इन स्कूलों में भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 20 अप्रैल को 2023 को जारी शासन आदेश में कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक शिक्षणेतर पुरुष कार्मिकों का नवीनीकरण न करने का आदेश दिया था। इस आदेश से प्रभावित पुरुष स्टाफ ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल के क्रियान्वयन पर रोक आज लगा दी है और प्रकरण लंबित कर दिया है। अनंतनाग के नागों का फन कुचल रही सेना, भागते दिखे आतंकी, ड्रोन फुटेज में हुआ सब कुछ रिकॉर्ड। जी हां, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ 4थे दिन भी जारी है। पहाड़ी इलाके के जंगलों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चल रहे अभियान में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में एक फुटेज सामने आया है जिसमें आतंकी अपनी जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। वहीं सेना की कार्रवाई से पस्त आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन से की जा रही निगरानी के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के छिपने की जगह पर मोर्टार के गोले दागे हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर रखा है। ऐसा लग रहा है कि वह आतंकियों की खैर नहीं है, सेना इस मुठभेड़ में जल्द ही विजय पालेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी इस मुठभेड़ में जल्द ही विजय पाले तो कमेंट में वेल्डन इंडियन आर्मी जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ का बड़ा बयान, सनातन पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण, यह पूरे विश्व को परिवार कहने का देता है संदेश। जी, सनातन धर्म पर अलग अलग दलों के नेताओं के विवादित बयान आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज लखनऊ में बयान दे ही दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर हो रहा विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है,
सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने वाला धर्म है। यह धर्म जाति पंथ और मजहब से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व को अपना परिवार कहने वाला धर्म है। इसका न कोई आदि है और न ही कोई अंत है। इस पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप भी राजनाथ सिंह की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में आज अलग अलग घटनाओं में बीते 24 घंटे में 20 लोग चल बसे, कहीं गिरी लिफ्ट तो कहीं ढहा मकान। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में अलग अलग घटनाओं में अब तक 20 लोग चल चुके हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पहला घटना यहां आम्रपाली के ड्रीम वैली फेस 2 प्रोजेक्ट में लिफ्ट गिरने से अब तक 8 मजदूर चल बसे हैं, जबकि लखनऊ में मकान ढह जाने से मलबे में दबकर 5 लोग चल बसे हैं। साथ ही रायबरेली में हुई सड़क घटनाओं में माँ व बेटे समेत 3 लोग चल बसे हैं। उत्तर प्रदेश के नए साल में फिर महंगी बिजली का झटका। यूपीसीएल ने खर्च किए 1200 करोड़ से ज्यादा, उपभोक्ताओं से करेंगी भरपाई। जी हां, नए साल में फिर महंगी बिजली का झटका लगेगा। यूपीसीएल ने इस साल बिजली खरीद और अन्य मदों में 1200 करोड़ अतिरिक्त खर्च कर दिए हैं, जिसकी भरपाई अब उपभोक्ता से की जाएगी। अब यूपीसीएल नए साल के टैरिफ की याचिका तैयार करने में जुटा है, जिसके लिए निगम ने कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी है। वही यूपीसीएल की हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में यह तथ्य सामने आया है कि निगम इस साल 1200 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च की वजह से घाटे में है। निगम ने तय किया है कि आगामी टैरिफ प्रस्ताव में इस घाटे की भरपाई की गुहार सरकार से लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिलों में 100% 21 जिलों में 90% पूरा हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे। जी हां, उत्तर प्रदेश में फसलों के डिजिटल सर्वे का कार्य सभी जिलों में जारी है। वहीं 54 जिलों में 10-10 राजस्व ग्रामों में क्रॉप सर्वे का कार्य भी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 सितंबर तक सभी 54 जिलों में सर्वे के कार्य को पूरा करने का आदेश दिया है। फिलहाल इनमें से 5 जिलों में 100% सर्वे पूरा कर लिया गया है। वहीं 21 जिलों में कार्य 90% से अधिक पूरा हो चुका है। इसके अलावा 13 जिलों में 70 से 90%, वहीं 13 जिलों में 50 से 70% कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि मात्र 2 जनपदों में धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। जिला अधिकारियों को तेज गति से सर्वे पूरा करने की सख्त हिदायत दी है। अगर ये सर्वे पूरा हो जाता है तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को हुआ बुखार, मेरठ में भाईचारा सद्भावना सम्मेलन स्थगित, धरी रह गई तैयारियां। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की तबीयत खराब होने के कारण आज मेरठ में होने वाला भाईचारा सम्मेलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि आज सुबह 7 बजे से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन कर स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज उन्हें बुखार हो गया है, जिसके कारण कार्यक्रम में आना मुश्किल होगा। जिलाध्यक्ष ने बताया है कि फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित कर देना ही सही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पागल बाबा मंदिर में भी जारी हुआ ड्रेस कोड, ऐसे कपड़े पहनकर नहीं होंगे दर्शन, जाने क्या है नियम। जी हां, वृंदावन मथुरा मार्ग स्थित पागल बाबा मंदिर में आधुनिक कपड़े पहनने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस मामले में मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के प्रवेश एवं निकास द्वार के साथ साथ मंदिर परिसर में भी जगह जगह इस तरह की सूचना बोर्ड लगा दिए हैं। तो खबरों में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज की ताज़ा अपडेट के लिए भी खबर जानकारी को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान जरूर दबाएं।